अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं सब लोग? अच्छा, जब जब सोचती हूँ कि आज नहीं कोई वीडियो बनाई जाए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिस पे मेरी नज़र भी होती है और मैं बड़ा उसके बारे में पढ़ भी रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ, क्योंकि लोगों के मैसेज जब आते हैं कि आप कुछ तो कहें इस बारे में, तो फिर मुझसे रहा नहीं जाता और मैं कहती हूँ कि चलो आज इस पे बात कर ही ली जाए। मैंने अभी जो 2 दिन या 1 दिन की जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं एमक्यूएम के हवाले से बात करूंगी आज कि पहले तो आप लोग ये याद रखिए कि याद है आप लोग जो मुझे फॉलो करते रहे हैं इस ग्रुप पे, कि मैंने सबसे पहले एक्सपोज किया इन लोगों को और इनके बारे में हर बात बताई। फिर जब ये लोग मुझे मुझे वापस भी लाना चाहते थे एमक्यूएम में, मैं एक वाहिद ऐसी औरत थी कि जो नहीं मानती थी इनकी बात, और वो थ्रू आउट ये कहती थी कि अगर अल्ताफ हुसैन को निकाल दिया गया पार्टी से ये कह के कि वो उन्होंने मुर्दाबाद बोला और सारी उनकी बार जो चीज़ें सामने आई, तो फिर वो लोग जो ग्राउंड पे काम करते थे वो तो बड़े शरीफ के बच्चे बने रहे, जैसे कि उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। हमने 22 को देखा कि एमक्यूएम किस तरह से टूट फूट का शिकार, उस वक्त तो नहीं लगी लेकिन उसके बाद जो चीज़ें सामने आती गईं, क्योंकि हुआ ये कि कहते ना कि ये वो बंदर थे कि जो जब हम लोग कहीं किसी पार्क में जाते हैं ना, तो हम लोग मूंगफलियां खाते हैं और उसके जो छिलके होते हैं वो फेंक देते हैं, तो ये वो छिलके भी उठा लेते हैं। तो ये वाले जो लीडर्स थे ये वो थे कि जो छिलके भी उठाने के लिए तैयार थे। मैंने अपने को कभी भी ये नहीं समझा कि मैं इस तरह की हरकतों पे उतर के एमक्यूएम में अंदर दोबारा से आ जाऊं, क्योंकि मुझे मालूम था ये सारे वही लीडर्स थे जिन्होंने पहले भी ये सिचुएशंस क्रिएट की थी एमक्यूएम के लोगों के साथ। उस वक्त तो लोग इसलिए भी चुप रहते थे क्योंकि वो कहते थे कि अल्ताफ हुसैन भाई ने उनको नॉमिनेट किया है, तो अब तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते बिकॉज ये एक ऑर्गेनाइज पार्टी है। लेकिन आप लोग भी जानते हैं जो एमक्यूएम के वर्कर्स मुझे सुन रहे हैं कि आप लोगों के साथ भी इन्होंने क्या किया, आप लोगों को कितना इन्होंने सहूलतें फराहम की और इन्होंने अपने लिए क्या कुछ नहीं बिल्टअप किया। मेरी सारी सारी वीडियोस पुरानी, अगर कोई मेरे जो मैं बात कर रही हूँ उससे इख्तलाफ करे वो पूरी देख ले और उसको पता चल जाएगा कि मैंने उस वक्त भी बिल्कुल यही बातें की थी जो आज फारूक सत्तार भाई कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो बहुत लेट हो गए। वो इसलिए लेट हो गए कि जब मैं ये नोटिस कर रही थी कि उनको सरबरा तो मान लिया लेकिन उनकी किसी बात पे अमल करने को तैयार नहीं। जब मैं पाकिस्तान आई थी, पीटीआई ज्वाइन करने के लिए आई थी और पीटीआई के साथ मेरी बातचीत अभी चल ही रही थी, तो मैंने ये सुना कि एमक्यूएम के कुछ लीडर्स जो हैं, जो पीटीआई के साथ कनेक्टेड हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक ऐसा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया कि पीटीआई के कुछ रहनुमा, मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ रहनुमा ने मुझसे बड़ी एक कहते ना डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बातें करनी शुरू कर दी जो कि मुझे बिल्कुल गवारा नहीं थी, और इसी वजह से मैं पीछे हट गई और मैंने कहा कि नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी, ना मैं अब पीटीआई में जाऊंगी ना मैं किसी और पार्टी का अब सोच रही हूँ। और इसी दौरान एमक्यूएम के सरबरा फारूक सत्तार, कामरान टिसोरी और ख्वाजा सुहेल भाई और बहुत सारे और जो थे लोग जो मुझसे रबते में आए, और उन्होंने कहा कि आपको ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक हो जाएं, लेकिन मैं मानने को तैयार ही नहीं थी थ्रू आउट। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मैं ही मान नहीं रही हूँ और वो लोग ये समझ रहे हैं, आमिर खान एंड ग्रुप जिसमें वो सारी खातून एमपीएस भी शामिल थी जिनको कहा गया कि इरम के खिलाफ बोलो, उसमें सलमान मुजाहिद बलोच भी थे,
उसमें बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन की, और वो ये समझते रहे कि शायद मैं MQM ज्वाइन कर लूंगी, लेकिन उनको तो ये मालूम ही नहीं था कि मैं ना कर चुकी थी, और वो मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे वो जाया था, क्योंकि मैं तो आ ही नहीं रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मेरा तो आने का मकसद ही नहीं था। लेकिन मैंने उसमें ये एक चीज जरूर नोटिस की थी कि एक तरफ तो ये जो सरबराह जिसको कह रहे हैं वो मुझे बुलाने की कोशिश कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली, और दूसरी तरफ जो सरबराह नहीं है उसकी ज्यादा पावर है और सरबराह की कोई सुन नहीं रहा। तो मैंने उसी वक्त तहैया कर लिया कि, और मैंने फारूक सत्तार भाई को ये बता दिया कि ये जिनके साथ आप अभी चल रहे हैं यही एक ना एक दिन आपको पार्टी से ही निकाल देंगे, क्योंकि ना ये आपकी सुन रहे हैं। उन्होंने सिर्फ MQM को बचाने के लिए 22nd को आपका सहारा लिया, और वो सहारा जो था वो आज आपको नजर आ गया कि जब MQM बच गई। मैं कहती हूँ, मैं सारी इस्टेब्लिशमेंट से ये बात करती हूँ कि आमिर खान जिसने 22 अगस्त को ये बात बोली, पाकिस्तान मुर्दाबाद का लुकमा दिया अल्ताफ हुसैन को, और उन्होंने ये बात कह दी, तो आमिर खान अब तक कैसे बचा हुआ है? मैं तो ये सवाल करूंगी, मेरी तो दुश्मनी ही यही है। और मेरा तो कहते हैं ना कि एक इसी बात पे मैं अपनी उसूल की पाबंद हूं कि जब आमिर खान ये बात कह सकता है तो वो तो क्लीन हो गया, वो तो साफ सुथरा हो गया, और MQM के वो बेगैरत कारकुन जो उसके साथ आज भी बैठे हुए हैं उन पे शाबाशी है, शाबाशी है कि वो उनकी हर गलत चीज को, एकदम को वो सराह रहे हैं। और जस्ट बिकॉज कि उनको सीटें मिली हुई हैं, जस्ट बिकॉज उनके खांचे लगे हुए हैं, तो ये सारा ड्रामाबाजी हो रही है। शर्म करें आप लोगों को, एक तरफ आप लोग पहले भाई भाई करते थे और आमिर खान को गालियां देते थे, और दूसरी तरफ अब भाई का नाम लेते हुए आप लोगों के मुंह में पता नहीं क्या हो जाता है, और दूसरी तरफ आप आमिर खान की वाह वाह कर रहे हैं। तो कैसे, मतलब ये इससे पता चलता है कि MQM को तोड़ने वाला कोई और नहीं है, MQM का तोड़ने वाला सिर्फ आप लोग खुद हैं, खुद हैं जो कि कभी आवाज ही नहीं उठा सके, कभी कुछ बोल ही नहीं सके अपने उन लीडर्स को जिन्होंने आपको इस नहज पे पहुंचाया है। ये सिचुएशन क्रिएट करने वाले ये खुद हैं, किसी ने MQM को बेड़ा गरक नहीं किया, आपके अंदर के लोगों ने आपका बेड़ा गरक किया है, जिसमें सरे फहरिस्त आमिर खान और उसका टोला है। अब जब फारूक सत्तार को अपना सरबरा मान लिया तो उसकी हर बात को डिनाई करना, उसको हर चीज पे रोकना टोकना, फिर उसको रिस्पेक्ट ना देना, तो फिर वो लीडर भी क्या बैठा रहा वहां पे इतने दिनों तक, कि फारूक भाई भी जो हैं वो वहीं पे बैठे रहे। और जबकि मैंने जब वीडियोस बनाई थी और इनको एक्सपोज किया था तो फारूक भाई का एक कॉल मुझे आई थी कि आपने गलत किया, आपको उनका नाम नहीं लेना चाहिए था, ये गलत है, ठीक है हम जानते तो हैं ये लोग ऐसे हैं, लेकिन ये हम सबको मिलजुल के साथ काम कर, क्यों मिलजुल के साथ काम करना है? जब वो गलत हैं तो वो गलत हैं, हम क्यों उनको छुपाएं, हम उनकी गलत हरकतों को छुपा के आगे बढ़े क्यों? जब अल्ताफ हुसैन से आपने अपने को अलग कर लिया तो बाकी लोग वो उनसे क्यों नहीं अलग हो सकते? क्या उनमें सुरखा आपके पर लगे हुए हैं कि वो जो गलत करें, जिस तरह से उन्होंने पैसे बनाए, मैं आज जो फारूक भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सब मैं कह चुकी हूं, आई एम सॉरी फारूक भाई, आप भी लेट हो गए हैं, आप लेट हो चुके हैं ये सब कुछ कहने के लिए। अब आमिर खान एंड ग्रुप ने ये हाईजैक कर ली है पार्टी, अगर ये 6 का टोला है या 10 का टोला है या 20 का टोला है, ये टोले ने हाईजैक कर ली है पार्टी। अगर तो आप इस पार्टी को वापस ले सकते हैं तो फिर आप कारकुनों में जाएं, कारकुन अगर आपकी बात सुनने को तैयार हैं अब तो वो आपका साथ देंगे, और अगर कारकुन तैयार नहीं है तो फिर ये वो चंद जो कारकुन जो बहादुराबाद में बैठे हुए हैं,
जो अपनी दिखा रहे हैं कि उनमें बड़ी ताकत है, ये ही चलाते रहेंगे। इनकी चालाकी ये थी कि इन्होंने फौरन पीटीआई का साथ दे दिया, क्योंकि इनको पता था कि पीटीआई हुकूमत में आएगी तो जो हुकूमत में होगा ये उसका साथ देंगे। इन्होंने अमीर अमीर लोगों को सीटें दी इस दफ़ा इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में, और जहाँ जबकि इनका खुद का कहना है कि लोग पैराशूट से आए थे और उनको सीटें मिल गई। ओ भाइयो, ओ भादराबाद वालों, किसको दी पैराशूट से? मुझे, अली आबदी को? हम लोग तो 15 15 साल एमक्यू में गुजार दिए हम लोगों ने, और उसके बावजूद कहते हो कि हमें पैराशूट से सीटें मिली। पैराशूट से तो अभी इनको दिया गया है सीटें, चाहे बाय इलेक्शन में। इनको मालूम था ये बाय इलेक्शन हारेंगे, इन्होंने सिर्फ उन लोगों को सीटें इसलिए दी, अमीर लोगों को और वेल कनेक्टेड लोगों को, ताकि इनकी जो दुकानें हैं वो चलती रहें। इनकी दुकानें इसी तरह चल सकती हैं कि अमीर अमीर लोगों को अपने साथ एडअप करें एमक्यूएम में, जो इनका ख्याल भी रखें, इनके साथ रात को पार्टियां भी करें और इनके खर्चे भी पूरे होते रहें और खामोश रहो, क्योंकि बहुत सारों के पास अकामे हैं। अब फारूक भाई, अब आपको होश आए हैं? अब आप होमवर्क करेंगे? आप तो बहुत लेट हो गए। मैंने तो आपको पहले ही होमवर्क करके बहुत सारे लोगों को अपने वीडियो मैसेज में सब कुछ बता दिया था। उस वीडियो मैसेजेस को दोबारा से जरा सुनिए क्या कहा था, और आज भी स्टिल टुडे उस वीडियो मैसेज को, मेरे ख्याल से काफी महीने हो गए, मे बी साल हो गया होगा, लेकिन आपने तो इतना लेट करा। मैं तो कहती हूं कि मैंने अपनी हर वीडियो मैसेज में ये भी कहा कि मैं बदुआ नहीं दे रही, और उसका नतीजा देखा है आप लोगों ने कि बदुआ ना देते हुए ही ये लोगों ने कैसे बिखर गए, इनका शिराजा कैसे बिखर गया एमक्यूएम का, इसीलिए कि उनके ये शुरू से कभी एक थे भी नहीं। आज बहादुराबाद में जो टोला बैठा हुआ है, अगर इनके हाथों से पैसे खींच लिए जाए और इनसे हिसाब लिया जाए तो ये सब टूट फूट जाएंगे, सारे टूट फूट जाएंगे। अगर फारूक भाई आज ये बात कह रहे हैं, आज क्या वो काफी दिन से ये कह रहे हैं कि अपने हिसाब किताब लाओ, लेकिन आज वो खुल के कह रहे हैं, तो भाई ला दो हिसाब किताब, उनका भी ले आओ, अपना भी ले आओ, और सबका दिखा दो कि किसने से रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरीज बन गई इन लोगों की, क्या करते थे और क्या हो गए। ये होता है जब आप अपने अंदर के लोगों को पहचानते भी हो लेकिन बोलते नहीं हो, तो फिर ये होता है जो आपने आज देखा। मैं तो एमक्यूएम की बात करती हूँ, तो पीएसपी के में भी जो लोग गए हैं उनसे भी तो उनका उनकी हिसाब किताब लिए जाए ना मेरे भाई, वो भी तो उसी राबता कमेटी का हिस्सा थे जब ये सब पैसा बनाने की मशीनें थे, लिटरली मशीनें, और इन्होंने अपने लोगों का क्या बिगाड़ कर दिया कि आज महाजिर कौम जो बेचारे बैठे हुए हैं जिस हालतों में, ये आप लोग सब जानते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इलेक्शन खत्म, पैसा हजम, ठीक है ना? ये जो दाल आप लोगों ने बनाई थी कि जी हम पीएसपी के साथ गवर्नमेंट में हैं, मिनिस्ट्रियां मिल गई हैं आपको, और फिर बाय इलेक्शन लड़ रहे हैं, और किस बेसिस पे बाय इलेक्शन लड़ रहे हो भाई? जब पीटीआई का साथ दे रहे हो, पीटीआई के साथ हुकूमत में हो, तो कोई जरूरत नहीं थी बाय इलेक्शन लड़ने की, कोई जरूरत नहीं थी उनको। जो लोग बेचारे अमीर और अच्छे बैकग्राउंड से लोग आए थे उनको सीट दे के शो मारने की, जब आपने हारना ही था, जब पता ही था कि पीटीआई सीट ले जाएगी, तो फिर ये बाय इलेक्शन भी करने की क्या जरूरत थी? बड़ी अजीब सी बात है, और बड़ा, मतलब कहते हैं ना, इतना बेवकूफ बनाओ लेकिन इतना ना बनाओ कि बिल्कुल ही, मतलब इंसान सोच में पड़ जाए कि ये किया क्या है आपने, आपने अपने लोगों के साथ किया क्या है। आज भी मैं आप लोगों को गारंटी कहती हूं कि कोई जाए इनसे मदद मांगे, ये अगर आपको लारे लपे ना देना तो मेरा नाम बदल देना। ये इन लोगों का हाल है, ये कभी नहीं किसी के काम आते थे ना आएंगे। इनकी प्रॉपर्टीज हैं दुबई में,
ये मैंने पहले भी डिस्क्लोज किया था, इनके पास अकामाज हैं, ये भी मैं डिस्क्लोज कर चुकी हूँ और इन सबको मालूम है। आज मेरे वीडियो मैसेज के बाद ये फिर उछलेंगे, ये फिर उछलेंगे और ये फिर ढूंढेंगे कि इरम के खिलाफ क्या चीज़ निकाली जाए। तो निकालें, आप लोगों ने जितना मेरी करेक्टर असैसिनेशन की ये आप भी जानते हैं, छुप छुप के की, कभी किसी से करवा के की, कभी औरतों को भड़का के की। वो सारी औरतें जो PSP में चली गईं वो मुझसे गले मिली हैं आखिरी दिन, और उन्होंने ये कहा है कि हमें अफसोस है कि सब कुछ हमने किया। मैंने उनको माफ़ कर दिया, मेरे दिल में कोई ग्रज नहीं है अब उन लोगों के लिए। सलमान मुजाहिद बलोच ने आके TV में ये कहा कि मुझे, मैं इरम बाजी से भी माफ़ी मांगता हूँ। मैंने उसको भी माफ़ कर दिया जबकि उसने कितना कुछ कहा मेरे लिए, तो मैं उसको भी माफ़ कर दिया मैंने। अब ये लोग जो हैं इनको तो अल्लाह ही पूछेगा, क्योंकि ये ना किसी से माफ़ी मांगते हैं और ना इनमें इतनी सलाहियत है ये किसी से माफ़ी मांग सकें। माफ़ी वो मांगता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें माफ़ी मांगने का अल्लाह मियाँ ने एक सलाहियत दी होती है, वो माफ़ी मांगता है। ऐसे लोग माफ़ी नहीं मांगते जो कि खुद डिनाइल में होते हैं, उनको सब पता होता है उन्होंने क्या किया है, क्या किया उन्होंने और ये क्या करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। ये पार्टी तितर बितर हो चुकी है। अब इस पार्टी के अंदर रहते हुए जो लोग हैं वो अपना थोड़ा सा, कहते हैं ना, ईमान जगाएं। जब फारूक भाई बार बार कहते हैं ना 5 फरवरी 5 फरवरी, तो 5 फरवरी मैं बताऊं, एक दिन मेरे लिए भी, एक तो वो कश्मीर डे होता है, दूसरा 5 फरवरी में ये अलग हुए, MQM में तोड़फोड़ हुई, और तीसरा 5 फरवरी मेरे लिए क्या अहमियत रखता है, वो मेरी है सालगिरह। अब अल्लाह ने मुझे क्या इसका तोहफा ये दिया कि ये लोग खुल के सामने आ गए। मैं तो यही समझती हूँ कि 5 फरवरी मेरी बर्थडे का दिन और उस दिन मैंने ये सब खबर, लेकिन बिलीव करें मुझे कभी खुशी नहीं हुई MQM को इस सिचुएशन में देख के, लेकिन मुझे दुख है कि MQM के जो सरबरा, जिन जो अपने को कहते हैं, जिनको मैं तो सरबरा नहीं कहती, मैंने तो उनको गली गली के लौंडे बोला है, और गली के जो लौंडे होते हैं वो ऐसी ही हरकतें करते हैं, औरतों से छेड़छाड़ करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों के मसले मसाइल को पूरा करने के बजाय उनका हल ढूंढने के बजाय उनको प्रॉब्लम्स देते हैं। एंड यू वॉन्ट, पीपल आर आस्किंग मी कि डोंट कम विथ प्रॉब्लम्स, कम विथ सोल्यूशंस। यस, देयर इज अ सोल्यूशन एंड आई जस्ट गेव वन। द सोल्यूशन इज द वर्कर्स हैव टू स्टैंड अप, द वर्कर्स हैव टू रियलाइज दैट हु शुड बी देयर लीडर। खड़े हुए सोचें कि कौन इतना निडर है जिसमें इतनी हिम्मत है जो MQM संभाल सके, जो MQM को देखे कि उसको जो जो भी हम जिस तबके की बात कर रहे हैं उसके ग्रीवियंसेस को देखें। यहां तो घरों को तोड़ दिया गया और आए बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मीडिया को लेके अपनी दुकानें चमकाने। एक होना है तो सबको निकाल भार करें जिन जिन्होंने आप लोगों के साथ धोखे दिए, करप्शन की, उनको निकालें। जब तक आप उनको नहीं निकालेंगे MQM का नाम और निशान भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इधर सारे वो लोग बैठ गए हैं जो खुद करप्ट हैं, जो खुद गलत किस्म के लोग हैं। ये मेरी आपसे गुजारिश है आप लोगों के, MQM वालों से जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुनते हैं, जिनको मेरी बात में ज़रा सी भी सच्चाई नज़र आती है, वो ये करके तो देखें। सिर्फ 5 या 6 का टोला है जिसको निकाल भार करें, और आप देखें MQM में साफ सुथरे लोगों की कमी नहीं होगी, अच्छे लोग आएंगे और अच्छे लोग बात करेंगे जो सुनना चाहते हो आप लोग। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा आपसे खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर जल्दी मुलाकात होगी। बाय।